समोसा, असहाग, कौरमा सब्जी और काबुली पुलाव। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़ियान है और आप देख रहे हैं आईटेल ब्लॉग्स। तो आज मैं गया हूँ काबुल रेस्टोरेंट में, जो कि फ्रैंकफर्ट में है, जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द मेन ट्रेन स्टेशन। दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स डिफरेंट अफगानी कुजींस दैट विल मेक योर डे मोर फ्लेवरफुल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे है काबुल रेस्टोरेंट, ठीक है, और हम अभी इधर अफगानिस्तान में नहीं है, मैं अभी इधर फ्रैंकफर्ट में। ओके, ये है वो जहाँ पे अफगानी फूड मिलता है, फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन के पास ही है, ठीक है। और जो पिछला रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम पहले अफगानी खाने गए थे, उससे कुछ 5 मिनट की वॉक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अफगानी रेस्टोरेंट आ जाता है, इनका भी खाना ट्राई करते हैं और अब लेने चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने चलते हैं। मैं कि अब रेस्टोरेंट में आके बैठ गया, ठीक है, काबुल रेस्टोरेंट। और मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये आपको क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं। ये आपको एक दफ़ा डम्पलिंग्स देंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डम्पलिंग्स। आपको कड़ी में भी बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है, ठीक है, और चावलों में भी, ठीक है, चावलों में सबसे ज़्यादा इनके पास वैरायटी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में से हम एक चीज़ ट्राई करेंगे इनके, ठीक है। तो अभी ऑर्डर करते हैं। अभी मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने हर एक कैटेगरी में से एक चीज़ ऑर्डर किया, ठीक है। और सबसे पहले तो मैंने एक अशाक मंगवाया, ठीक है, वो सबसे पहले खाएंगे, वो एक डम्पलिंग है, यानी कि डम्पलिंग की एक डिश है, ओके। बाद में मैंने काबुली पुलाव ऑर्डर किया है। काबुली पुलाव मैं एक दफ़ा खा चुका हूँ, लेकिन एक और दफ़ा खाने को बहुत ही दिल कर रहा है, तो इसलिए वो भी मैंने कर दिया। और एंड पे मैंने एक कौरमा सब्ज़ी की है, मैंने कुछ और करना था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि कौरमा सब्ज़ी कर लेते हैं। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि खाना आए। इन द मीनवाइल बस आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी ये खाना इधर आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा टेबल खाने से ही भर गया, ठीक है, टेबल छोटा हो गया, खाना ऊपर ज़्यादा हो गया, ठीक है। और पहले हम इनके ये इस एपेटाइजर से स्टार्ट करेंगे, इन्होंने हमको समोसे दे दिए, हमने ऑर्डर नहीं था किया, उन्होंने खुद दे दिए हैं, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। पहले इनका समोसा ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये सब्ज़ी क्या है या तो इन्होंने कीमा डाला हुआ है, अभी हमको ये पता लगेगा, ओके। इनका ये समोसा उठा लेते हैं, ठीक है, अंदर ही अभी मैंने प्लेट पे रख लिया समोसा इनका। और साथ ये दो चटनी हमको मिली है, यानी कि ये दो सॉस हमको इनके साथ मिली है, ठीक है, ये भी साथ में रख लेता हूँ। ये वाली ये थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है, ठीक है, पेस्ट टाइप। और जो ये वाली है ये सावर, ठीक है, ठीक है, ये इनके ऊपर डालनी थी लेकिन मैंने साइड पर डाल दिया।
इनका समोसा खोल के देखते हैं एक दफा। अच्छा इनका समोसा आप देख सकते हो सिर्फ आलू के साथ फिल हुआ है और मटरों के साथ, ठीक है, वेजी समोसा, ठीक है, कीमा नहीं है अंदर इनका। आप ट्राई करते हैं समोसा, ये मैं पीस इनका उतार लूँ। क्रिस्पी है, अंदर से क्रिस्पी रखा हुआ, ये सॉस लग गया थोड़े से नीचे, इनको इन सॉस के डिप करते हैं और टेस्ट ट्राई। जो ग्रीन सॉस है वो थोड़ी सी मिर्ची वाली है और जो ये वाइट है ये थोड़ी सी सावर है, ये सावर है और ये वाली ये मिर्ची वाली है और इसी थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची है। अभी समोसा ऐसे ही ट्राई करते हैं नॉर्मल सॉस के बिना, ठीक है, ये सॉस के बिना एक दफा। समोसा अच्छा बना है, नॉर्मल है आलू और मटर के साथ, ठीक है, क्रिस्पी है, यानी कि खा सकते हैं, खाने वाला समोसा है, ओके। और जो चटनीस हैं वो भी मुझे पसंद आई हैं, वाइट वाली सबसे अच्छी थी मुझे लगी अभी, इसकी थोड़ी सी मिर्ची है। तो ये हमने वैसे ऑर्डर ही था कि यह प्लान में नहीं था, ठीक है, तो इसकी क्विक रिव्यू आपके लिए, ठीक है, तभी हम मेन चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। ये इनका अब आ गया है अशाक, ठीक है, ये एक डम्पलिंग की डिश है, ओके, और आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन कितनी ही प्यारी है इनकी। ये वाइट सॉस है ऊपर, ये कोई रेड सॉस में लगाई हुई है और ये थोड़ा सा वो जो मानतो नहीं है जो मैंने पिछले दफ़ा खाया था उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर स्टफ़ जो स्टफिंग है जो डाला हुआ है वो कुछ और है, ओके। इसके अंदर उन्होंने यीट्स डाले हुए हैं, यीट्स, ठीक है, वो जो लंबा प्याज होता है वो डाला हुआ है, सॉस, ओके, और योगर्ट। तो अभी इनका एक ये पकड़ लेते हैं और ट्राई करते हैं, ठीक है। ये है इनका एक अशाक, ठीक है, प्लेट में रख लिया साथ थोड़ा सा ये, हाँ जी, और इन्होंने इसके ऊपर ये दाल भी डाली हुई है वो मैं भूल गया था, ठीक है, दाल डाली हुई है और ये इनका अशाक है। और इसको एक दफा तोड़ते हैं, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्या है, ठीक है, हाँ जी, आप ये देख सकते हो इन्होंने यीक्स डाले हुए अंदर, यानी कि वो जो लंबा प्याज होता है वो, ठीक है, और वो जो वाइट सॉस है वो इसके ऊपर है और ये अब जाएगा मेरे पेट के अंदर, ओके, ये है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। बहुत ही क्रीमी है, ऐसे होता रबड़ की तरह मुंह में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रबड़ को चबा रहा हूँ, ठीक है। और जो सॉस है बहुत ही सॉसी उन्होंने अंदर से रखा हुआ है, जो सॉस है वो अंदर तक इनकी पहुँची हुई है, ठीक है। एक और दफ़ा ट्राई करते हैं, देख सकते हो ये अंदर से भी काफ़ी नाइस बना हुआ है, ठीक है, ऊपर सॉस, और जो ये रेड सॉस है, ये जो रेड सॉस है ये टमाटर की है, ठीक है, ऊपर इन्होंने इसके टमाटर लगाए हुए हैं, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। एक और बाइट ले लेते हैं, ठीक है, सारे सॉस मेरी यार गिर गई है, ये एक और बाइट भी लेते हैं, ठीक है। क्या बात है, अब आ चुकी है हमारी सेकंड डिश, ठीक है, ये है कोरमा सब्जी, ठीक है, विथ स्पिनच कोफ्ता, और ये सेंटर में इन्होंने दाल डाली हुई है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, ठीक है, इनके जो प्रेजेंटेशन है ना खाने की, मैं घर में भी इसी तरह की प्लेटों में खाता हूँ, ठीक है, तो होम फीलिंग आ रही है। साथ इन्होंने हमको ये नान दिए हैं, ठीक है, ये है नान, और ये नान के साथ ही खाएँगे, ठीक है, क्योंकि ये एक कड़ी है और ये चारों के साथ ही खाते, ये नान के साथ खाते हैं, ओके। ये नान हम इनका एक तोड़ लेते हैं, ये नॉर्मल नान है, वो कोई यानी कि स्पेशल नान नहीं है जो तंदूर में बनता है, ये नॉर्मल ब्रेड है जिन्होंने खुद बनाई हुई है, आई थिंक। ये ट्राई करते हैं एक दफ़ा, स्पिनच कोफ्ता दाल, और अभी ट्राई करते हैं, ओके। कोफ्ता आप देख सकते हो इनका बहुत ही टेंडर है, यानी कि टूट रहा है जब मैं इसके ऊपर दबा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो,
यानी इतना जोर भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ रही। ये देखो, और इसकी अब एक बाइट बनाते हैं। ओके ठीक है, ये स्पिनच कोफ्ता और ये जो दाल है ये भी डाल लेते हैं अंदर। ये बन गई है और ऐसी दिखती है। और बिस्मिल्लाह, और इन्होंने इसके ऊपर भी तेल डाला हुआ है, ऑलिव ऑयल। ठीक है, देख सकते हो आप, यानी कि ये मुझे लगता है हर एक चीज़ के ऊपर ऑलिव ऑयल कैसे टच मारती हैं, जो काफ़ी अच्छा है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगे। अब सिर्फ कोफ्ते के साथ करते हैं। ठीक है, कोफ्ता पकड़ते हैं, खिंका के सारा ही पकड़ लेती हैं। ये कोफ्ता है, ठीक है, और ये देखना कोफ्ता मुंह के अंदर ना दही की तरह टूट रहा है। ठीक है, एक बार स्पून के साथ मुझे कि ये जो स्पिनच है ये भी ट्राई करने को दिल कर रहा है। ये स्पिनच है, यानी कि स्पाइसेस इन्होंने थोड़ी सी लो रखी हुई है अंदर, और जो टेस्ट है कोफ्तों का वो काफ़ी इन्होंने मसालेदार बनाया हुआ है। अभी हम इनका ट्राई करेंगे काबली पुलाव। ठीक है, विथ बीफ, कैरेट्स और ये जो मुझे मीठा होता है सोंगी आई थिंक। ठीक है, और काबली पुलाव मुझे बहुत पसंद है, या बीन का भी ट्राई करते हैं। ठीक है, एक प्लेट इधर लोड कर लेते हैं बीफ के साथ। ठीक है, ये बीफ का पीस आ गया ठक प्लेट के अंदर। ओए होए 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 होए, काफ़ी टेंडर है। ठीक है, चावल ले लेता हूँ, ये चावल आ गए प्लेट में, थोड़ा सा मीठा भी ले लेता हूँ। ठीक है, मेरी बन गई। आप देख सकते हो कितनी शाइनी है ये, यानी कि कितना शाइनी शाइनी सा एक टच दे रहा है ये। ठीक है, और इससे पता लगता है कि इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है। ठीक है, और ये एक दफ़ा ट्राई करते हैं, मैं एक दफ़ा इसे घुमा लूँ। ये बीफ का पीस उतारते हैं, साथ बीफ के इन्होंने ये फैट भी रखी हुई है, फैट जो टेस्ट है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाता है, अगर आपको ये नहीं था पता। ठीक है, ये मैं एक बाइट मार लेता हूँ फैट के साथ ही। ठीक है, ये और चावल। ठीक है, ये देखो, खराब बात है। ओए होए, बीफ की तो क्या बात है, सही बीफ को इन्होंने सही तरीके से बनाया हुआ है। बीफ अंदर तक बना हुआ है, और जो चावलों से वो यखनी का टेस्ट आ रहा है ना, क्या बात है। मैं अब काबली पुलाव का फ़ैन हो गया हूँ, जब से मैंने एक दफ़ा उधर खाया था। इनका भी अच्छा है, अगर कंपेयर करना पड़े तो मैं दोनों को एक ही लेवल दूँ, ये भी अच्छा है। ठीक है, इनका गोश्त चेक करो आप, ये ठीक है, देखो कितना शाइनी, क्या बात है। तो अभी मैं ये सारा इधर फिनिश करता हूँ। ठीक है, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, तो आई थिंक ये सारा कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, और मैं बाद में रिव्यू देता हूँ आपको। अभी ये मुझे बहुत खाने को दिल कर रहा है, जो काबली पुलाव है इनका इतना शाइनी है, और गोश्त इनका मज़ेदार। ठीक है, ये अशाक हमारा समोसा, और ये हमारी सब्ज़ी। ठीक है, ये अभी खाते हैं, और एंड पे मैं आपको एक एंड रिव्यू देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। काबली पुलाव सुमित ने बनवा। अभी मैंने खाना ख़त्म कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो सारा कुछ इधर टोटली ख़त्म हो गया। ठीक है, और अभी मैंने एक और काबुली पुलाव ऑर्डर किया, लेकिन इधर के लिए नहीं, वो घर साथ लेकर जाना। ठीक है, मामा को भी ट्राई करवाते हैं। ठीक है, और खाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई एम
अ फैन ऑफ काबुली पुलाव नाउ, ठीक है। और जो अगर मुझे कैटेगराइज करना पड़े तो मैं काबुली पुलाव को ऑब्वियसली सबसे ऊपर प्लेस करूँ, ठीक है। और यानी अगर मुझे रैंकिंग बनानी पड़े, ठीक है, तो काबुली पुलाव को सबसे ऊपर सिर्फ वो गोश्त के लिए, ठीक है। मुझे गोश्त है, मुझे इतना पसंद आ गया ना इनका, सही वो टेंडर था, टूट रहा था सही तरह, जब हाथ ही लगाते थे ना तो टूट जाता था। ओके, बाद में उनके मैं वो जो अशाक नहीं था, ठीक है, वो डम्पलिंग वो रखूँगा। और एंड पे ये जो जो कड़ी की वो डिश थी वो गुचरल टेस्ट आ रहा था उसका, सिर्फ वो जो दाल डाली हुई थी ऊपर और वो जो कोफ्ते थे उनका टेस्ट मैं मुझे आ रहा था, ठीक है। जो स्पिनच था वो आई थिंक उन्होंने ऐसे ही उबाला हुआ था और वो ऐसे ही साइड पर रख दिया था, लेकिन जो कोफ्ते और वो जो दाल थी ऊपर वो ठीक थी। ओके, और एंड पे मैं वो समोसे प्लेस करूँगा, वो ठीक तो थे लेकिन वो मैंने प्लान नहीं था किया हुआ कि वो भी आएंगे, ठीक है, तो मैंने प्रिपेयर नहीं था किया अपने आप को, तो वो उनको मैं अभी रैंक में नहीं डालूंगा, ठीक है। ओके, वो ऐसे ही साइड पे मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे था। वो क्रिस्पी थे, वेजिटेबल के थे, आलू और मटर के, ठीक है, और क्रिस्पी इतने नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो जो रोटी है वो थोड़ी सी मोटी करके रखी हुई थी। तो और इधर ही फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।